हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत दिन बाद आए, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। तो चलो, तो हम लोग आज से हम लोग अक्टूबर का पहला वीडियो है दोस्त। भाई इतना गैपिंग क्यों, थोड़ा समय बिजी था थोड़ा सा। और जी हाँ दोस्तों, हम लोग का बिग बिलियन डे हम लोग का फ्लिपकार्ट में आ गया है। अमेजोन भी हम लोग का सेल स्टार्ट होने वाला है एकदम, मतलब दुर्गा पूजा स्पेशल। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा बेबलेट जिसमें हम लोग का डिस्काउंट मिले। अभी थोड़ा कम हो गया है प्राइस, हमको लग रहा है और कम होना चाहिए, नहीं तो हम लोग ले लेंगे कुछ कुछ बेबलेट्स और अनबॉक्स करेंगे। हम लोग का अनबॉक्सिंग भी करना है, मेटल बेबलेट्स लेंगे थोड़ा सा रेपिडिटी ही। तो देखते हैं कुछ दिन में हम ऑर्डर करेंगे और क्या क्या सेल आ सकता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए लगता है, और क्या क्या लेंगे जरूर बनाऊंगा। तो चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो तो हम लोगों ने पावरफुल बेबलेट्स को ले लिया है, मतलब स्टेमिना ही ज़बरदस्त है हम लोग का ये सभी बेबलेट्स का, और पावरफुल भी है। हम लोगों ने क्या बोलते हैं मेटल फ्यूज़न का लिया है, हम लोगों ने क्या वो मास्टर्स का लिया है, और हम लोग क्या भाई हम लोग फ्यूरी का कैसे छोड़ सकते हैं। फ्यूरी का तो दबा के हम लोग लिए हैं, तो किसके अगेंस्ट बैटल करेंगे। और ये है भाई, जो मेरा चैनल में बहुत पहले से हैं वो लोग सभी कोई जानते होंगे इसके बारे में। और ये मैंने बनाया था, बहुत जिलेन जो इसका कमज़ोर समझता था, तो उसको मैंने दमदार अपग्रेड किया था, गजब का हम लोगों ने अपग्रेड किया था, मैंने अपग्रेड किया था। तो यहाँ पे नट, और ये तो हम लोग समझ रहे हैं नट बोल्ट है यहाँ पे, और यहाँ तो हम लोग का कैन है, जो हम लोग का कैन को काटे थे इसको मैंने यहाँ पर मतलब डाला। और यहाँ पर डिस है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, मतलब पूरा छिप गया है तो अंदर है, और यहाँ एमसील से पूरा चिपका दिए हैं। तो ये हम लोग का हो गया गजब का हेवी बेबलेट्स। तो वज़न करके देख लेते हैं कितना होता है, और हम लोग देखते हैं कि मतलब बस्ट बेबलेट हम लोग को हरा पता है कि नहीं इन सभी मेटल बेबलेट्स से। ये ही नहीं, आप किसी भी बेबलेट्स को आप लोग दमदार बना सकते हैं। तो ये मेटल है तो हमको हेवी थोड़ा सा मिल गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नट भी है हम लोग का, बोल्ट भी मेटल का। तो देखते हैं कितना वज़न है, वज़न होता है तो देखो दोस्तों 72.11 ग्राम्स हो गया है, यानी कि सभी मेटल बेबलेट्स से, ये सभी मेटल बेबलेट्स यहाँ पर जितना भी पड़ा हुआ है जो बैटल करने वाला हूँ इन सभी से हेवी है। तो देखते हैं भाई, लेकिन स्टेमिना कम है उस सभी से, स्टेमिना कम है। तो देखते हैं कि मतलब पूरा मतलब जीत सकता है कि नहीं जीत सकता है। तो चलिए हम लोग बैटल आज का शुरू करते हैं। तो 10 बेबलेट्स है, आप लोगों ने देख लिया गजब का बेबलेट्स है, और 10 में से कितना बेबलेट्स हम लोग का जीतता है कि हारता है कि बस्ट है जिंदाबाद, देखेंगे अभी कुछ देर में। और जिंदाबाद कैसे बना सकते हैं मैंने बताया एमसील लगा करके ज़बरदस्त अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब मज़ा आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग ये एलास्टिंग लॉन्चर से इसको घुमाएंगे, और ये सब तो अपना ये से किधर गया हम लोग का लॉन्चर। हाँ चलो भाई, ये भी एलास्टिंग लॉन्चर से। चलो भाई, तो मेटल बेबलेट्स में कौन किसको लेते हैं हम लोग भाई। सबसे पहले अर्थ ईगल से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हम लोग का अर्थ ईगल, और ये अर्थ ईगल भी हम लोग का ज़बरदस्त स्टेमिना है, डिफेंस टाइप बेबलेट है, लेकिन भाई इतना गजब स्टेमिना है ना, मज़ा आ जाता है। तो चलिए बैटल शुरू करते हैं, फर्स्ट राउंड 3-1 हो जाए शुरू। तो ये रहा, और ये रहा हम लोग का भाई अटैक टाइप, कैसे घूम रहा है हम लोग का। ज्यूस जेलिन ज्यूस हेवी तो है, टक्कर से हिलाया, लेकिन हमको नहीं लगता कुछ होने वाला है, हरा भी सकता है। स्पीड तो हम लोग का बहुत कम लग रहा है जिलेन जूस का, लेकिन कुछ चमत्कार हो जाए तो मज़ा आ जाएगा भाई। अर्थिगल का भी स्पीड कम होते हुए नहीं, हमको लगता है ना, क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग इसको चिकना बना देते हैं ना, चिकना मीन्स एकदम मतलब स्मूथ, मतलब एकदम यहाँ पर तो ग्रुप बना हुआ है, और इसको कुछ करके हम लोग छेड़छाड़ करना पड़ेगा, या फिर पिन पॉइंट बनाते तो हम लोग का ज़्यादा स्टेमिना होता है। इसको खोल सकते हैं क्या अभी अभी अभी, इसके बाद चिकना नहीं। तो चलिए और एक बार करते हैं, हमको लग रहा है ना कहीं हम लोग का जीत जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ये वाला लॉन्चर्स के साथ, देखते हैं। थ्री टू वन हुई शुरू, ये रहा मैंने पहले इसको घुमाया है, और ये रहा टक्कर, ये वाला मोमेंटम में टक्कर हो जाएगा ना, नॉकआउट हो सकता है भाई। ये स्टेडियम गंदा हो रहा है, एमसील टुकड़ा हो रहा है क्या,
वाह भाई, इधर वाला पॉकेट टाइप में रहता तो नॉकआउट हो सकता थी लोग अर्टिगल, लेकिन वॉल से बच गया। नहीं तो यहाँ पे हम लोग का पहला हार हम लोग का जिलियन जूस का। हमको लगता है ना इसके चलते हम लोग का स्टेमिना ख़त्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे ग्रुप्स है ना तो ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है और हम लोग का डिफेंस टाइप का ज़्यादा घूम रहा है, और यहाँ पे हम लोग का बेबलेट टक्कर हो रहा था। हमको लगता है एमसेल झड़ रहा है तो उस पर भी कुछ करना पड़ेगा। झड़ गया तो मैंने फेविक्विक से वापस चिपका दिया है। तो चलिए, तो ये मतलब पहला हार गया लेकिन कोई बात नहीं, और यहाँ इधर मैं रखता हूँ जीत गया। तो नेक्स्ट बेबलेट में लाता हूँ अपना ट्विस्टेड टेम्पो को। भाई ये तो हम लोग का ज़बरदस्त गजब का स्टेमिना वाला बेबलेट है, ये भी मतलब स्टेमिना ज़बरदस्त है। तो चलिए हम लोग बैटल शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। थीट वन हो जाए शुरू, ये रहा। और भाई इसको क्या हो गया, इसके साथ हम लोग का अटैक वाला बेबलेट के साथ ज़्यादा मज़ा लगता है हमको लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। वो भाई यहाँ हम लोग का एमसील यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग का ये हो रहा है, टूट रहा है। देखते हैं क्या होता है। वाओ ये भी एकदम मतलब अपना बेबलेट का पार्ट जैसे ही इसका स्पीड कम कर रहा था फ्रिक्शन बढ़ा करके। तो यहाँ पे हम लोग का ट्विस्टेड टेम्पो जीत गया विदाउट कुछ एनी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम, जीत गया आराम से वो भी। तो चलो भाई अभी कुछ जादू देखने को मिला कि मिलेगा कि नहीं हेडिस कर्वेक्स, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है ये दोनों बेबलेट्स में। और मुझे लग रहा है कि भाई इसमें भी हमको जितना चाहिए, मैं तो भाई बेकार का बैटल कर रहा हूँ ऐसे लगेगा। तो चलो भाई लग जाओ। 3-2-1 हो गया शुरू, ये रहा हेडिस कर्वेक्स और ये रहा। भाई डायरेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो भाई टक्कर से नॉकआउट हो गया। चलो भाई ठीक था, तो मतलब इतना एक्सीडेंट टाइप का भी बोल सकते हैं। 3-2-1 हो गया शुरू, इसको मैं टिल करके घुमाता हूँ कुछ फ़ायदा नज़र आ जाए तो। वाह हमको लगता है लॉन्च ही गलत कर रहे थे, इसको टिल करके लॉन्च किए दोबारा है दिस कर्वेक्स को मतलब नॉक करते हुए। हाँ अपना ट्विस्टेड टेम्पो के साथ भी एक बार करें क्या, हमको मन कर रहा है तो एक बार कर लेते हैं। अपना ट्विस्टेड टेम्पो को घुमाते हैं, उसके बाद इसको टिल्ट में लॉन्च करते हैं। वह टक्कर तो दिया है, नहीं इस पर कुछ नहीं कर पाया, टक्कर तो दिया था लेकिन। तो यहाँ पे हेडिस कर्वेक्स पहला बेबलेट हार चुका है। वाओ तो यहाँ पे ट्विस्टेड टेम्पो हारा नहीं, वो ज़्यादा ही हेवी है मतलब कम हेवी वाला को नॉक कर सकता है। तो बाकी तो अभी हम लोग का एकदम मस्त मस्त फ्यूरी बेबलेट्स से बचे हैं जो कि ज़बरदस्त हेवी है। तो चलो भाई लंबा वाला बेबलेट्स को लाते हैं जो 230 स्पिन ट्रैक के साथ है अपना फ्लैश सेजिटेरियो। तो चलो भाई बैटल शुरू करते हैं और देखते हैं, हमको लगता है इससे इसके साथ जीत सकता है। 3-2-1 भाई ये कैसे गिर गया, चलो फिर से करते हैं। 3-2-1 हो जाए शुरू, लंबा वीडियो हो रहा है। वाह एक बार में नॉक हो गया, ये तो भाई ये तो ठीक नहीं है। वाह ये तो भाई दोबारा नॉक हो गया, टक्कर दिया वापस निकल गया। तो यहाँ पे फ्लैश सेजिटेरियो शायद हमको लगता है फ्यूरी बेबलेट्स में से हल्का बेबलेट है। और तो नेक्स्ट बेबलेट मैं लाता हूँ, जल्दी ख़त्म करते हैं भाई अपना ये डेड क्वार्ट्ज कॉटल, देखते हैं क्या होता है। चलो लग जा। 3-2-1 हो जाए शुरू और हल्का टिल्ट में। वाह काफ़ी नॉकआउट करने का कोशिश, हमको लगता है भाई टूट सकता है हम लोग का बेबलेट जिलियन जूस। छन्नी छन्नी हो रहा है हम लोग का एमसील। वाओ काफी नहीं देख, और यहाँ पे हम लोग का डेड कॉर्जर कोटल जीत लेते हुए। तो चलो भाई एक गजब का स्टेमिना बेबलेट को लाते हैं अपना साइथ क्रोनोस, तो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। ओ भाई कहाँ लगा रहा हूँ, चलो 3-2-1 हो जाए शुरू, ये रहा और ये रहा। टिल्ट किए हैं गजब का, नॉकआउट कर सकता है, नहीं नहीं कर पाया। चलो भाई स्टेमिना में तो हमको नहीं लगता जीत सकता है शायद क्रोनोस से।
नहीं, शायद क्रोनोस आराम से जीत लेते हुए। नेक्स्ट बेबलेट मैं लाता हूँ अपना वेरी एरिस डीडी को, स्टेमिना मोड में ही है, तो देखते हैं क्या होता है और मज़ा आएगा ये दोनों में भी भाई, क्योंकि इसका रिकॉयल गजब का है, हम तो गजब का गैप है। 3-2-1 हो जिसु, ये रहा भाऊ, ये क्या हो रहा है हम लोग के साथ। वाह, इसको नॉकआउट तो होना ही था, मतलब इसको टिल्ट में घुमाऊंगा और इसको तो मतलब उससे टक्कर होगा तो मतलब रिकॉयल ज़्यादा है तो नॉकआउट होगा ही। वाह देखो भाई, दोबारा नॉकआउट होते हुए, और ये हम लोग का तीसरा बेबलेट अभी तक हार चुका है, तो अभी बेहतरीन बेबलेट बचे हुए हैं, तो उसमें से मैं फेंगलियोन को लाता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है फेंगलियोन के साथ। तो चले 3-2-1 हो जाए शुरू, और वाओ, तो यहाँ पर फेंगलियोन भी निकलते हुए, मतलब कुछ कुछ बेबलेट्स को ज़बरदस्त हरा रहा है। तो चलो भाई, हम लोग का 5 बेबलेट्स को हरा देगा क्या, 4 बेबलेट्स हो चुके हैं और उधर में हम लोग 4 बेबलेट्स जीत चुके हैं। तो चलिए अभी कॉस्मिक पेगासस है, और चलो भाई फाइनल ड्राइव के साथ कुछ जादू दिखने को मिलेगा कि नहीं, तो चलिए हम लोग लगा लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। 3-2-1 हो जाए शुरू, तो ये रहा। फाइनल ड्राइव शुरू हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। वाह चालू हो गया फाइनल ड्राइव, कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं भाई, ये उल्टा हो गया, फाइनल सर्वाइव चालू हो गया अपना। जिलेन जी इसका आ रही है, हम लोग का बाहर अटैक कर रहा है, तो देखते हैं। वाह कॉस्मिक जीत सकता है हमको लगता है। वाह ये तो ड्रॉ था, गजब का ड्रॉ, तो इसको बोल देंगे हम लोग ड्रॉ। तो चलिए और एक लास्ट करते हैं, जो कि है हम लोग का फैंटम ओराइन, तो यही डिसाइड करेगा कौन वाला मतलब जीतता है कि नहीं, मतलब जीत सकेगा कि नहीं, तो डिसाइड मतलब हम लोग का ज़्यादा बेबलेट्स किधर जीतेंगे, मतलब 3-2-1 हो जाए शुरू। लग जा, हाँ लगा है, मतलब ज़्यादा 10 में से कितना बेबलेट्स हारे या फिर जीते ये हम लोग देख लेंगे। वाओ टक्कर तो ज़बरदस्त था, लेकिन हम लोग का स्टेमिना तो ज़बरदस्त है। ओ नो, तो यहाँ पे हमको नहीं लगता जीत पाएगा ये, लेकिन भाई गजब का टिल्ट किया है इसको, लेकिन भाई कुछ नहीं कर पाएगा, ये हम लोग का जीत ले लेता है। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ कुछ मतलब कमजोरी था ये बेबलेट का, कुछ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, मतलब ये वाला टिप तो एकदम मतलब इसका कुछ नट उट मतलब बढ़िया लगाने से हम लोग का ज़्यादा स्टेमिना देगा, और हेवी तो है, नॉकआउट तो किया अच्छा खासा बेबलेट्स को, तो यहाँ पे इतना बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस नहीं दिखा, लेकिन करीब करीब हम लोग का 1, 2, 3, 4 बेबलेट्स को तो हम लोग का हरा दिया, एक तो ड्रॉ था हम लोग का, तो मतलब नज़दीक ही बैटल था, मतलब मज़ा आ गया। तो आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो, मैं बहुत दिन बाद आया आज को, और मैं और वीडियोस लाता हूँ, मतलब लाऊंगा कल परसों तरसों मतलब वो, और हम लोग कुछ कुछ ऑफर्स में भी देखते हैं, कुछ बेबलेट्स मिलता है तो हम लोग ग्रैब कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कैसे लगा जरूर से जरूर नीचे कमेंट्स कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।